हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नीरज। और बेटा मैं आपके लिए आई हूँ क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस है आपके इंग्लिश में, आइडियम्स और फ्रेजेस। आप बोल रहे थे मैम आइडियम्स एंड फ्रेजेस करा दो हमें, तो इंग्लिश के फ्रेजेस और आइडियम्स हैं कराना है आपको। तो मैं सबसे पहले आपको आइडियम्स लेके आई हूँ, फ्रेजेस बाद में कर लेंगे और थोड़े और कर लेंगे, ये समझ लो आप। दोनों ही होंगे इसमें तो आप दोनों ही कर लेंगे, ठीक है। चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ बेटा, लास्ट जो लेक्चर रहा था आपका, उसमें दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए थे, बाई मिस्टेक हो गए थे। कैसे हो गए थे मैं बताता हूँ आपको। जिस बुक से मैंने ये आइडिया में जिस बुक से वो सेंटेंस मैंने लिए थे सिंगुलर प्लूरल वाले, तो उसमें ना बुक में ही शायद वो मिस्टेक थी, और मैंने उसे अपलोड करने से पहले चेक नहीं किया था कि इसके जो आंसर्स हैं वो सही हैं क्या नहीं है। तो बाई मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अगर गलत हो गया, मैंने पिन कमेंट में अपने जो आंसर्स हैं वो मैंने कमेंट को पिन कर दिया है, उसमें जो आंसर हैं उनके ठीक आंसर्स हैं उनके, क्योंकि बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया मैम आप गलत पढ़ाते हो। मेरा अभी तक कोई मकसद नहीं होती है आपको गलत पढ़ाने का। हाँ, बुक से डायरेक्ट लिए थे और बुक्स में ही आंसर थे, तो वही आंसर मैंने आपको बता दिए थे, मैंने खुद चेक नहीं किया था। अब मैं मेक श्योर करूँगी ये वाला जो लेक्चर मैंने लिया है उसे मैंने मेक श्योर किया है कि मैं सबसे पहले मैंने उसे चेक किया है, इसके बाद में मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। और सॉरी फॉर अबाउट प्रीवियस लेक्चर, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा उसमें। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। आप कैसे हो आप मुझे बताना ज़रूर, और आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो बताना मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप पेन इन द नेक, जो पेन है आपका नेक में पेन है तो वो क्या होगा? इरिटेटिंग होगा, अनोइंग होगा, जॉली होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें दोनों ही होंगे, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इरिटेटिंग और अनोइंग दोनों ही चीज़ें, ठीक है। पेन इन नेक मतलब आपको नेक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसा समझ लो आप, ठीक है, कि और नेक में दर्द होता है तो वो जो पर्सन है सामने वाला वो आपको इरिटेटिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, यार कितना गर्दन का दर्द है ये। तो ये आइडियम्स और आपके फ्रेजेस इसमें होंगे, ठीक है। तो इरिटेटिंग और अनोइंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है आप चेयर पे आराम से बैठे हुए हो और अपनी बैक चेयर पे लगाए हुए हो, आराम से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई भी परेशानी नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो क्या है? अ रिलैक्स पर्सन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स पर्सन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड बोल रहे हैं द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। तो आपकी लाइफ और सोल दोनों ही पार्टी में हैं ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एनर्जेटिक होना चाहिए आपको और गुड फन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए एंड सी ऑप्शन आपका सही है कि गुड फन भी इसका ऑप्शन होगा और एनर्जेटिक भी होगा, ठीक है, लेजी नहीं होगा, क्योंकि आप ना एक पार्टी में गए हो, खूब इंजॉय कर रहे हो पार्टी में जाके, तो इसका गुड फन और एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ बोल रहे हैं आपसे अ पर्सन अ पीपल पर्सन। अ पीपल पर्सन का मतलब होता है एक पर्सन है जो आराम से सोसाइटी में भी रह रहा है, बातचीत करता है सभी से, अकेले नहीं रहता बिल्कुल भी, ठीक है। तो एन आउट गोइंग पर्सन होगा, अ गुड लिसनर होगा। वो गुड लिसनर का मतलब होता है कि आप हर किसी की बात सुनते हो, इन द सेंस कि इट मींस कि आप ना जो पीपल हैं उनकी बात सुनते हो, मतलब आप पीपल पर्सन हो, आप ना लोगों में रहना पसंद करते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। एज पर योर रिक्वेस्ट ही मैं सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप लोग बोलते हो कि मैम ये लेके आओ तो मैं वही लाने की कोशिश करती हूँ। चलो फाइव क्वेश्चन देख लो। अब बिग माउथ, बिग माउथ का मतलब होता है बड़ा मुँह, ठीक है, बड़ा मुँह, ठीक है, इसका बड़ा मुँह है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके मुँह में एक भी बात नहीं रुकती है, कोई भी सीक्रेट आपको बता दिया जाए तो आपके पेट में पचती नहीं वो बात, इसका मतलब ये है। तो आप बोल देते हो हर किसी से, ठीक है, तो वो तो बोल देते ना, आपने सुना होगा, वो तो मुँह फट है। मुँह फट का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी आपके मुँह में या फिर आपके पेट में कुछ पचता ही नहीं है, ठीक है। तो नॉट एबल टू कीप अ सीक्रेट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स बोल रहे हैं आपसे अ चीप स्केट। अचीप स्केट का मतलब होता है कि ना कोई पर्सन है वो ना अपना जो मनी होता है वो किसी पे भी स्पेंड नहीं करता, दोस्त आ जाए उसके तब भी नहीं वो खर्चा करेगा, मतलब पैसे इतना कंजूस बोलते ना, कंजूस है वो, तो अ मेन पर्सन इसका हो जाएगा, ठीक है, अ मेन पर्सन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन बोल रहे हैं हैव अ स्क्रू लूज। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारा स्क्रू ढीला वीला है क्या, बोलते हैं ना माइंड में कि आपका स्क्रू क्या ढीला वीला है क्या, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें बिल्कुल भी? तो स्लाइटली मैड होगा, इसेंट्रिक होगा, तो इसका बोथ सही है, बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट बोल रहे हैं अब बिम्पी। बिम्पी कौन होता है? बिम्पी वो होता है जो वीक पर्सन होता है, जिसमें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोर पर्सन होगा, तो उसको बोलेंगे हम बीपी, अबीपी, ठीक है, बिम्पी, सॉरी बिम्पी, तो वीक पर्सन इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ डिप स्टिक। डिप स्टिक का मतलब होता है कि आपका ना बहुत ही गंदा सा बिहेवियर है, आप एकदम स्टूपिड बिहेवियर रखते हो अपने पास में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिप स्टिक, ठीक है, डीप भी बोल सकते हो, स्टूपिड बिहेवियर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेंथ बोल रहे हैं लाइक टू पीज इन पॉन्ड। अब देखो ये बोल रहे क्या रहे हैं कि लाइक टू पीज इन पॉन्ड। आपने देखो मटर का दाना तो देखा होगा और मटर की फली भी, मेक श्योर मुझे पता है कि आपने देखी होगी डेफिनेटली, आई होप कि आपने देखी हो, ठीक है, मटर की फली देखी हो आप लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं ना, मेरी एक दोस्त थी, मैं सच्ची बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका क्या था, उसका ये था कि उसने ना गेहूं का नहीं देखा था, गेहूं कहाँ पे आता है, मूंगफली कहाँ पे आती है, आलू कहाँ पे उगते हैं, मतलब ज़मीन में उगते हैं या फिर पेड़ के ऊपर उगते हैं, ऐसा उससे नहीं पता था। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पी क्या होती है, लेकिन मटर तो पता होगा, मटर है, लेकिन मटर की फली नहीं देखी होगी उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा मटर की फली, यार बहुत ही कैजुअल होती है, घरों में आती है, ठीक है। तो लाइक टू पी इन पॉन्ड मतलब क्या है कि आप जैसे फली में अरेंजमेंट देखते हो ना पी का, जो मटर मटर होता है, मटर का दाना फली में जैसे अरेंजमेंट देखते हो, वैसे ही कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, वेरी सिमिलर, इसका मतलब क्या होगा, वेरी सिमिलर, ठीक है, वेरी सिमिलर हो जाएगा इसका आंसर। और क्योंकि आपको पता है दोस्ती पे ही होते हैं, दोस्त होते हैं कि तुम, वो दोनों तो बिल्कुल मटर के दाने की तरह हैं, मतलब एकदम सेम है, उन्हें ना ज़्यादा, ना वो किसी की बुराई करता है ना वो किसी की बुराई करता है, ठीक है, तो वेरी सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये वाला 11 बोल रहे हैं टू बरी द हैचिक। तो बरी का हैचिक का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया, कोई भी आपके सामने, जैसे आप झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, तो झगड़ा कर रहे थे, वो भी तलवार लेके आया था, आप भी तलवार लेके चले गए थे, तो आपने क्या किया, एक टाइम पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो क्लियर होने के बाद में आपने अपनी तलवार भी फेंक दी और अपनी तलवार भी फेंक दी, मतलब दोनों को गाड़ दिया या तोड़ दिया, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कह दिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, कॉन्फ्लिक्ट का आपने एंड कर दिया, मतलब आप जो झगड़ा करने वाले थे उसको एंड कर दिया, तो एंड फ्रेंडशिप नहीं होगा, एंड आ रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आपने दोस्ती कर ली, आपने ना अपनी जो जो भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में वो खत्म कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बोल रहे हैं अब शोल्डर टू क्राई ऑन, एक शोल्डर है टू क्राई ऑन, अब किसके शोल्डर पर आप रोते हो, उसी के शोल्डर पर रोते हो ना जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ सके, हैं तो समवन हु लिसन टू योर प्रॉब्लम। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट, समवन हु लिसन योर प्रॉब्लम, मतलब वही दोस्त आपका होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन सकता है, ठीक है। जैसे यार मुझे आज ये हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो, तो आप उसके शोल्डर पे जाके क्राई कर सकते हो, कर सकते हो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 बोल रहे हैं टू आई विद समवन। अब देखो जो आई कॉन्टेक्ट होता है ना, आंखों में आंखें डाल के बातें चल रही हैं आपकी, ठीक है, तो क्या है, आप अग्री कर रहे हो किसी के साथ में, अरे यार ठीक है चल, कोई सामने थर्ड पर्सन बैठा है और आपने आंखों में बात कर लिया आपने, तो क्या हुआ, जो वो कहना चाह रहा है वो भी आप ही कहना चाह रहे हो, तो मतलब उसके साथ में आप अग्री कर रहे हो, ठीक है। तो अग्री विद समवन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अग्री विद समवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला टू बिल्ड ब्रिज। टू बिल्ड ब्रिज का मतलब है, आप देखो आपकी लोगों में पहले दूरियां हो गई थी आप लोगों के बीच में, जैसे होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो गया, ठीक है, बीच में दूरियां हो गई, अब क्या कर रहे हैं, एक बार ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप हो क्या, पैचअप में बदलना चाह रहे हैं वो, तो बदलेंगे कैसे, जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे खत्म करेंगे, उसके बाद में जो जो पुरानी बातें थी उनको भी लेके आएंगे मीठी मीठी बातें, और जो अभी की बातें हैं उन्हें भी मीठी मीठी बातें लेके आएंगे, मतलब आप सारे गिले शिकवे भुला के अपना एक अच्छा मतलब बॉन्ड बना रहे हो आप, ठीक है। तो बॉन्ड को ही हम ब्रिज बोल सकते हैं, तो जो बॉन्ड की शुरुआत कर रहे हो आप, तो उसे बिल्ड ब्रिज बोल रहे हैं, तो मतलब टू स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप, मतलब आप एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है, समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे, यार आप बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर देखो 15 बोल रहे हैं टू क्लियर द एयर। टू क्लियर द एयर का मतलब होता है कि कोई भी आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको, टेंशन है उसको दूर कर देना, डिफ्यूज द टेंशन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिफ्यूज द टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 16 टू नो समवन इनसाइड आउट। मतलब नो समवन इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी आपका दोस्त है, तो उसको ना आप बाहर से जानते हो अंदर से भी जानते हो, मतलब बोलते ना यार मैं उसे तो उसे मतलब उसके सीक्रेट्स भी मुझे सारे पता हैं, और वो फिजिकली में क्या कर रहा है, फाइनेंशियली क्या कर रहा है, मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में, मतलब ऑल अबाउट, मैं सब कुछ एवरीथिंग जानती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ये होता है नो समवन इनसाइड आउट, मतलब आप अंदर से जानते हो बाहर से भी, तो इसका मतलब क्या होगा, नो समवन वेरी वेल, आप अच्छे से उसे जानते हो, क्या मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसे बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है अ श्रिंकिंग वायलेट। जो वायलेट के फूल होते हैं ना, दोनों वो श्रिंक हो जाते हैं, जैसे उन्हें तोड़ दो थोड़े टाइम बाद में, वायलेट के जो होते हैं वो श्रिंकिंग हो जाते हैं, तो मतलब क्या है, अ शाय पर्सन, क्या है वो, एक शाय पर्सन है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब शाय का मतलब शर्मीला, ठीक है, शर्मिल टाइप का इंसान है, उसे थोड़ा सा छेड़ दो वो शर्मा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 18 बोल रहे हैं मैनी मून्स अगो। मैनी मून्स का अगो का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम अगो, अभी कोई कहानी है या फिर कोई भी बहुत लंबे समय की बात है, तो आप ना इसे डाल सकते हो मैनी मून्स अगो, मतलब बहुत लंबे समय की बात है, तो लॉन्ग टाइम अगो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आप समझ रहे होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 बोल रहे हैं, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब है कि नौवें आसमान पे, आप नौवें आसमान पे मतलब बहुत ही खुश हो आप लोग, ठीक है, तो वेरी हैप्पी हो जाएगा इसका, वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए एज कूल एज अ कुकुम्बर, एज कूल एज अ कुकुम्बर मतलब आप ना बहुत ही ज़्यादा काम हो, बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे, जैसे होता है ना कुकुम्बर क्या है, एक बहुत ठंडा फल है, और ठंडी चीज़ को क्या बोलते हैं, गर्म को क्या बोलते हैं, तो बहुत गर्म हो गए मतलब बहुत ही रूड हो गए, या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गए, हॉट इट मीन्स हॉट का मतलब बोला हॉट नहीं यार, हॉट का मतलब गुस्से वाले, ठीक है। लेकिन कुकुम्बर क्या है, ठंडा होता है, पानी होता है उसमें, बहुत ही काम स्वभाव होता है कुकुम्बर का, तो एज अ कूल तो मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा इसका बेटा, इसका हो जाएगा वेरी काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 और है, तो स्ट्रोमेना टीकअप, स्ट्रोमेना टीकअप का मतलब होता है कि आपके जो चाय का कप है उसमें ही आंधी आ गई बुरी तरह से। इट मींस देखो आपने क्या किया, आपकी मेरी आपकी बहन और आपका भाई है, मतलब आप दोनों हो, आप भाई हो, आपकी सिस्टर है, तो उन दोनों में क्या हुआ, आपने बोला, मम्मी ने बुलाया कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, अब तुम दोनों कमरे में बैठे हो, मम्मी बाहर बैठी हैं, तब तू देखे आ, तू देखे आ, तू देखे आ, तू देखे आएगा, तू देखे आएगी, तू देखे आएगा, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, ऐसे बोलना है आप, तो उसमें क्या झगड़ा हो गया आप लोगों का। अब झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, बेबात का झगड़ा देखो है ना, पानी मंगाया मम्मी ने सिर्फ, बिना किसी बात के आप झगड़े जा रहे हो, झगड़े जा रहे हो, बेफालतू में एंग्री करे जा रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी एंगर है या नहीं, यस मैम अननेसेसरी एंगर है ये, तो मम्मी आई उधर से एक चमाट लगाया खींच के, तुम दोनों नहीं सुनते हो, अब देखो तुम दोनों की मैं पिटाई लगाऊंगी, तो क्या हुआ, झगड़ा खत्म हो गया, उसके बाद में मम्मी खुद ही पानी ले गई, ठीक है, तो ये क्या है, अननेसेसरी एंगर है, मतलब आप बिना बात के भी झगड़े जा रहे हो बेफालतू में, ठीक है, तो ये होता है स्ट्रोमेना कप टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। आप बोल रहे थे मैम प्लीज़ इंग्लिश क्वेश्चंस मोर और मोर क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैंने इसलिए जल्दी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे बताएं, और मिस्टेक जो भी होती हैं बेटा आप दिया करो, क्योंकि मैं उन्हें ना इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, मैं चाहती हूँ, मैं आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं पढ़ाना चाहती, बाई मिस्टेक हो जाता है तो वो शायद मैंने चेक नहीं किया होता, और अब की बार अब से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो मैं चेक नहीं करूँगी, दोबारा चेक करूँगी, खासकर ऐसा ना मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बेटा, जैसे मैं मतलब आपको बताऊँ मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, आपको पता है इंडियंस है अपने लोग यार, तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है हम सब की, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो भी मैंने बुक से ही किया था, तब भी मैंने चेक नहीं किया, बस मेरा इतना वो था, लेकिन मुझे गलत पढ़ाने का आपको कोई भी मकसद नहीं होता कि आपको मैं गलत पढ़ाऊँ, ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।